नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का आयोजन जोर शोर से भारत में जारी है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भी प्रकोप तेज है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली वेव से बहुत ज्यादा घातक है। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच एक तरफ आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है तो वही दूसरी तरफ लगातार आईपीएल से खिलाड़ी अपना नाम वापस ले रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के अलावा राजस्थान रॉयल्स के एंड्रू टाई तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा ने आईपीएल 2021 को बीच में ही छोड़ अपने घर लौटने का फैसला किया। एक एक कर क्रिकेटरों के आईपीएल 2021 से अपना नाम वापस लेने के बाद अब दो अंपायरों ने भी इस टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर अपने घर लौटने का फैसला किया। भारत के टॉप अंपायर नितिन मेनन और ऑस्ट्रेलिया के पॉल रिफेल निजी कारणों से इंडियन प्रीमियर लीग से हट गए। खबरों के मुताबिक इंदौर के रहने वाले मेनन की पत्नी और मां कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए और इसलिए उन्होंने आईपीएल के बायो सिक्योर एनवायरमेंट से बाहर निकलने का फैसला लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने नितिन मेनन के आईपीएल से हटने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नितिन के परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए, ऐसे में वो अभी मैचों का संचालन करने की स्थिति में नहीं है। वहीं पॉल ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंध को देखते हुए आईपीएल से हटने का निर्णय किया। मेनन टूर्नामेंट से हटने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने के बाद घर लौटने का फैसला किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।